हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद पैट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या मूव आने का चांसेस है और मार्केट में क्या अभी सच में लाइक एक बड़ा सा करेक्शन आने वाला है या क्रैश टाइप का सिचुएशन बनने वाला है, वो सब भी हम लोग बात करेंगे। और अभी क्या दिख रहा है मार्केट में वो भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अच्छे से। और आप मेरा एक बार प्रीवियस वीडियो जाके देखना है, वीकली एनालिसिस में मैंने कहा था कि मैं 26,200 के नीचे शॉर्ट किया था, ठीक है। तो और मैंने कहा था कि मेरा 100 पॉइंट का जैसा स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट बड़ा है और दिसंबर का एक्सपायरी का मैंने लेके रखा। टारगेट बहुत बड़ा है, मतलब मैं इसको ट्रेलिंग ही करूँगा, हो सकता है मतलब यहाँ तक आ जाए, हो सकता है वी डोंट नो ना कहाँ तक क्या आ जाए, वी डोंट नो। तो मैं ट्रेल करूँगा अच्छे से, जो जेन्युइन ट्रेलिंग लेवल होगा उसमें मैं ट्रेल करूँगा। अभी भी ट्रेलिंग चल रहा है, बाउंसेस आएंगे, लेकिन मेरा तो दिसंबर तक का है, बहुत टाइम है मेरे पास, ठीक है। तो वो तो है। और अभी हम लाइक अभी जो मार्केट में मैंने आपको कहा था जब ये सब बन रहा था कैंडल कि ये 30,000 चला जाए, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैं कहा भी था कि जब ये गिरेगा ना लाइक आपको वक्त ही नहीं देगा इसमें, इस सेलिंग में ना मैं 110% श्योर हूँ कि रिटेलर पैसा ही नहीं बनाया। अगर सेलिंग कोई शॉर्ट पोजीशन में कोई पैसा ही नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि वो लोग प्रिपेयर ही नहीं थे, वो लोग सोच रहा है कि ऐसे ही जाते रहेगा और ये वाला मूव कभी नहीं आ सकता। देखो कैसे 5 दिन में ऐसा दिखा दिया ना मार्केट ने सीन कि लोग अभी लाइक बहुत कुछ लोग अभी पैनिक में आ जाएंगे धीरे धीरे, देन जब पैनिक बनेगा तभी थोड़ा सा एक बाउंस अच्छा खासा आने का चांसेस है। और अभी मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन थोड़ा इसमें मुझे चाहिए कुछ तभी मैं इंटरेस्टेड हूँ बाइंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग टाइप का, इसके लिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। मैं बताऊँगा कैसे और क्या अभी जो अभी वीकली तो एक बार एनालिसिस करते हैं, मैं एक पार्ट पार्ट करके सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। वीकली जो दिख रहा है कैंडल, ये तो काफ़ी बेरिश है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, मतलब सुपर बेरिश है। क्यों सुपर बेरिश है? इतना बड़ा कैंडल और कोई पुल बैक नहीं, मतलब एकदम मतलब माराबजू कैंडल है। और इसमें मतलब कोई एकदम डे लो पे क्लोज किया, इसका लो अगर आप देखोगे लाइक 66 और क्लोज कहा के 14 में जस्ट 30 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, मतलब 30-40 पॉइंट ऊपर ही क्लोज किया, मतलब जस्ट इमेजिन कि कितना लो पे क्लोज हुआ, इतना बड़ा 4% का कैंडल उसमें भी लो पे क्लोज हुआ। तो ये बहुत ही लाइक एक अलग टाइप का सिचुएशन है कैंडल वाइज, तो बहुत ही गंदा दिख रहा है और ये और भी गंदा दिख रहा है डेली में। और आज जो बनाना ये वाला सबसे खतरनाक कैंडल आज वाला, क्यों बोल रहा हूँ, बाकी कैंडल से आज वाला कैंडल खतरनाक है। इतना सेल होने के बाद यहाँ से जब ये बाउंस किया था तब थोड़ा सा इसको यहाँ पर टिकना चाहिए था, यहाँ पर एटलीस्ट टिकना चाहिए था, लेकिन ये एकदम डे लो पे आके क्लोज हुआ। ये बहुत ही लाइक एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हो सकता है मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल आने वाले टाइम पर आए, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। अभी मैं जो वाला कहा था इंटरेस्टेड हूँ, कहाँ इंटरेस्टेड हूँ, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक ना करे, इसको भी ब्रेक ना करे और इसके नीचे इस रेंज पे कुछ वक्त बिताए, 24,700 से 24,000 के रेंज में कुछ वक्त बिताए, हाँ 24,000 मतलब 24,000 भी नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा और ऊपर से भी, मतलब जो भी है 700-800 पॉइंट में एक रेंज बनाए, एटलीस्ट 4-5 दिन का एक रेंज बनाए, 4-5 दिन के लिए इसी रेंज पे ट्रेड करें। देन उस रेंज को जब ब्रेक करेगा, ऐसा टाइप का कुछ रेंज बनाए, देन उस रेंज को यहाँ पर, लेकिन इस जोन पे होना पड़े, इसके नीचे भी नहीं, यहाँ पर कुछ रेंज बनाए, देन इसको ब्रेक करे, तब मैं इस लाइफ हाई को भी क्रॉस करने के लिए मैं प्लान करूँगा कि इसको क्रॉस कर सकता है, तब स्विंग में मैं इसमें इंडेक्स फीचर्स में या फिर ऑप्शंस पे नहीं करूँगा, मैं स्विंग स्टॉक स्विंग में मैं ट्राई करूँगा कि इसको लाइफ हाई क्रॉस करेगा तब, और जो उसमें ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो देखेंगे मतलब उस टाइम पे। तो इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और डेली टाइम फ्रेम में भी अभी पूरा सुपर बेरिश दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो यहाँ पर अभी क्या सिचुएशन हो सकता है मैं बताऊंगा आपको, एक 30 मिनट्स में जाते हैं, वीकली में कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो बताऊंगा और कैसे अभी क्या हो सकता है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, हो सके तो लिख के रख लो, ठीक है। अभी जो है वो 25,600 ये वाला जोन, 600-700 ये वाला जोन ना, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए अगला वीक तक इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए मार्केट। इसको क्रॉस कर लिया दैट मीन्स इस सेली, ये एक निजक रिएक्शन था, ये इसमें कुछ खास दम नहीं था, ये निजक रिएक्शन था, हाँ दम तो है लेकिन इसमें उतना वो नहीं है, वो बाइंग हैपनिंग हो रहा है और बाइंग स्ट्रॉन्ग है मार्केट में अभी भी, तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तब अगर 700 के ऊपर चला गया नेक्स्ट वीक, हो सकता है ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, मतलब एक लक्ष्मण रेखा टाइप का हो गया, इसके ऊपर जाना ही नहीं चाहिए 700, एटलीस्ट इस गैप को तो फिल करने के बाद इसके ऊपर तो मतलब टिक भी नहीं मानना चाहिए, टिक तक नहीं मानना चाहिए, समझ में आ रहा है, टिक तक नहीं मानना चाहिए इस गैप के ऊपर, ठीक है। टिक भी मारेगा तब भी हम समझ लेना कि मार्केट में
बेरिश मतलब बुलिशनेस है अभी भी इंटैक्ट है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा सिचुएशन चेंज भी हो सकता है, कब, जब मार्केट अगर फिर से लाइक ये वाला जो 700-800 का लेवल है, या अगर गैप अप गैप डाउन हो गया उस दिन फिर से मंडे के दिन, या मंडे के दिन और स्लाइड करता है, देन ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, 500 इस राउंड फिगर में आ जाएगा, तब इसको ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। देखो मार्केट में अगर क्रैश आने वाला होगा ना, एक तो आपको बाउंसेस देंगे, तो बाउंसेस हम लोग उसमें बाउंसेस में अगर हम लोग अगर कोई सेल नहीं किया तो उस बाउंस में कहाँ सेल करना है मैं बताऊँगा, मतलब वही बता रहा हूँ मैं अभी। अगर 600-700 नेक्स्ट वीक चला गया तो यहाँ पर एक चांस लेना बनता है। एक बार इसका आसपास भी चला गया, मान लो यहाँ से रिवर्स कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी मिला, सेल कर दो यार, मतलब बिंदास सेल करो, कोई सोचने वाली बात मत, मतलब सोचो ही मत। और अगर मान लो थोड़ा मंडे के दिन थोड़ा गैप डाउन हो गया, ठीक है, और थोड़ा नीचे आ गया या इस लेवल पे आ गया, एक स्लाइड करके हो या फिर गैप डाउन में हो, जो भी हो, तो ये 500 इस जोन के आसपास, तब आप सोच लेना कि तब अगर यहाँ से आता है वेडनेसडे थर्सडे को इस लेवल के आसपास आपको सेलिंग मिलता है तो सेल करो, और उसको भी टारगेट लंबा रखो, क्योंकि ये लंबा जाएगा। अभी अगर जाना होगा ये लंबा जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ लंबा जाएगा, और मार्क माई वर्ड्स, अगर जाना होगा तो लंबा जाएगा। तो ऊपर क्या हम लोग का रेजिस्टेंस है 600-700 ये जोन है, ठीक है। और अभी ट्रेड क्या कहना, देखो अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ होगा, ट्रेड थोड़ा संभल के करना, हो सकता है मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा सेलिंग आए, देन थोड़ा सा ये रिवर्स करने की कोशिश करेगा, ठीक है, रिवर्स करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी अंधाधुन शॉर्ट भी मत करना, मैं एक भी, क्योंकि रिवर्सल हो सकता है स्ट्रॉन्ग है, जैसे अभी देखो अभी क्या पर चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 600-700 मतलब 600-700 पॉइंट का एक अभी भी स्कोप है मार्केट के पास, एक मतलब एक पुल बैक करे देन फॉल करे, ठीक है। तो वो सोच लेना कि हाँ 200 पॉइंट उठ गया तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ, नहीं नहीं ऐसा मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना। लेवल्स अपने पास रखो, सिस्टम अपने पास रखो, देन वो जहाँ पर आए उस वहाँ पर आपको सेलिंग मिल रहा है, देन डोंट हेजिटेट टू सेल। ऐसा नहीं कि 600 ही मतलब वहाँ पर जाएगा, या हो सकता है 500, 450 एटलीस्ट यहाँ तक तो जाने, तो तब जाके आप करो। आप ऐसे 600 का है तो आप एकदम मतलब 300 जाने से सेल कर दोगे, तो ये तो 500 तक जब जाएगा आपका स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, और नहीं भी हुआ ये जो आपको थोड़ा प्रॉफिट देगा ना, आपको लगेगा ना निकल जाता हूँ। तो आपको वो दिमाग में रहना चाहिए कि कहाँ तक क्या जा सकता है, रिवर्स कहाँ तक हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग आने से कहाँ हो सकता है। आज भी तो शॉर्ट कवरिंग हल्का सा मूव था, देन ये जो सेल आया मतलब ये बहुत ही खतरनाक वाला सेलिंग था, ठीक है। मेरा मतलब मेरा ये एसएल था एक्चुअली, इसके ऊपर ऊपर एसएल था, अगर मेरा एक्चुअली एसएल पहले यहाँ पर था, जो इसको जब ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पर जब 15 मिनट ब्रेक किया तब मैं एसएल को यहाँ शिफ्ट कर दिया। मैं 15-30 मिनट इसमें ही ट्रेड करता हूँ मैं उसमें भी, लाइक क्योंकि देखो मार्केट को चेंज होना होगा यहाँ से चेंज। मैं तब भी कहा था आपको उस दिन में, मैं 15 मिनट में शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको, मैं मतलब पूरा बता रहा हूँ उस दिन मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पर इस जगह पर मैंने क्या कहा था कि जब ऐसा हुआ था मैं उस दिन ही शॉर्ट किया। कैसे शॉर्ट किया था मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बताया था कि ये जब इसको जब ये ब्रेक किया, देन इसको जब ब्रेक नहीं कर पा रहा था, जब से फिर ये दोबारा 200 को ब्रेक कर रहा था, मैं यहाँ पर शॉर्ट किया, क्योंकि ये ऊपर वाला लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा था, मैं शॉर्ट किया। मुझे एक थोड़ा सा बेरिश सा सीन दिख रहा था, मैं यहाँ पर ही शॉर्ट किया, मेरा एसएल यहाँ पर था, और दिसंबर के लिए शॉर्ट किया था मैं, क्योंकि मुझे क्योंकि जब भी मैं ऐसा सिचुएशन आता है मैं लंबा शॉर्ट करता हूँ, मतलब एकदम टॉप से अगर लंबा, क्योंकि अगर ऐसे 2-3 हज़ार का पॉइंट मूव मिल गया ना, मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगा, और मैं काइंड ऑफ इन द मनी में ट्रेड लेके रखा हूँ, तो ये अभी अच्छा चल रहा है। तो ऐसे आपको उसको देखना होगा कि कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चेंजेस होगा तो पहले आपका उसमें चेंजेस होगा कि 15 मिनट में 30 मिनट में चेंजेस होगा, देन आपका वो फिर लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे जाते रहेगा चेंजेस होके, ठीक है। जैसे अभी डेली में भी बेरिश बन गया, आवरली में भी बेरिश बन गया, 15 मिनट से स्टार्ट हुआ था लेकिन सब कुछ हो गया ना, वही बात है। तो हम लोग वीकली के लिए, देखो वीकली के लिए मैं ट्रेड वही सजेस्ट करूँगा कि हो सकता है बेरिश हो, लेकिन इसको आप टाइटली ट्रेल करना, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं, ठीक है। हो सकता है मंडे ट्यूसडे को, मुझे जो लग रहा है मंडे ट्यूसडे को एक सेलिंग आ सकता है, मंडे ट्यूसडे, और फिर एक रिवर्सल आ सकता है, एक पुल बैक आ सकता है मार्केट में, तो उसके लिए प्ले करना। अगर शॉर्ट कर रहे हो, इसके नीचे नीचे शॉर्ट कर रहे हो, देन आप थोड़ा सा टाइटली ट्रेल करो, एकदम टाइटली ट्रेल करो। अगर थोड़ा सा आप स्मॉल टाइम के लिए ट्रेड करो, अगर ऊपर से आपका है देन तो आप बिंदास रहो, आप इस लेवल पे आप ट्रेलिंग ऐसे। अगर टॉप से आपने सेल किया, 200 से मतलब सेल किया हुआ, तो आप यहाँ पर ट्रेल कर सकते हो, और बिंदास धीरे धीरे इसको ट्रेलिंग को बढ़ा सकते हो आगे।
ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर का अभी बुलिश के लिए देखना ही नहीं है, इंट्राडे में बुलिश के लिए देख सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन लाइक थोड़ा पोजिशनल एक दो दिन के लिए बुलिश के लिए देखना ही नहीं है, जब तक कि 600-700 लेवल क्रॉस ना करे, बहुत दूर है ये, ठीक है। तो तब तक थोड़ा सा शांति बनाए रखो, उसके बाद देखेंगे हम लोग, ठीक है। और हम लोग आराम से बात करते रहेंगे, अगर जब भी कुछ ऐसा आएगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो। अभी इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, मैं निफ्टी देख रहा हूँ, फिर बैंक निफ्टी देखेंगे, मिड कैप निफ्टी का भी देखेंगे हम लोग मंडे एक्सपायरी में, ठीक है। देखो इंट्राडे में बेरिश के लिए ही देखना है, बेरिश के लिए देखना है, लेकिन मतलब अगर फ्लैट आउट ओपन होता है तभी बेरिश के लिए देखना है, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप में मतलब मुझे जो लग रहा है, बहुत बड़ा गैप अप में एक पहले सेलिंग आएगा, देन उसके बाद थोड़ा सा रेंज बनाएगा, देन फिर से हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर फिर से जाए, ऐसा एक चांसेस है। फ्लैट में सेलिंग के लिए देखूंगा, फ्लैट में मैं बाइंग के लिए देखूंगा ही नहीं, और गैप डाउन में हल्का फुल्का गैप डाउन में मैं बाइंग के लिए नहीं देखूंगा, इसको मैं टाइम दूंगा थोड़ा सा, और बहुत बड़ा गैप डाउन में मैं थोड़ा सा एक बार के लिए एक स्कैल्प टाइप का ट्रेड लूँगा, फिर इसको टाइम दूंगा, ठीक है। मैं मंडे के दिन एक ही शर्त में मैं बुलिश होऊंगा, मान लो फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर रेंज, जहाँ पर भी मान लो थोड़ा नीचे गिर के यहाँ पर रेंज बनाए, एटलीस्ट एक घंटा का रेंज, एक घंटा का, 1 आवर का रेंज होना पड़ेगा एटलीस्ट, या फिर मिनिमम हाँ एक घंटा का पकड़ लो, मैं 15 मिनट का, 3-4 घंटे, 3 कैंडल तो पकड़ लो, मतलब 45 मिनट्स टू एक घंटा का एक रेंज बनाए, छोटा सा रेंज बनाए, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसको ब्रेकआउट करे तभी मैं करूँगा। लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद, फ्लैट होने से इसको थोड़ा सा ज़्यादा मैं दूंगा, लाइक एक घंटा डेढ़ घंटा तभी मैं करूँगा। हल्का फुल्का गैप डाउन में 45 मिनट्स एक घंटा तक होगा, बहुत बड़ा गैप डाउन में हो सकता है आधा घंटा का 45 मिनट्स का रेंज पे भी मैं ट्रेड कर लूँ, तभी मैं बुलिश बनूंगा, इसके अलावा मैं बुलिश बनूंगा ही नहीं। गैप अप में मैं पहले सेलिंग के लिए देखूंगा स्कैल्प टाइप का, और हो सकता है मैं इतना लेवल का, या फिर हो सकता है इसको भी एक ब्रेक करने के लिए एक बार फिर से स्टॉप लॉस खा के देन यहाँ से फिर ये बाउंस करे, ऐसा हो सकता है, बहुत चांसेस है। बहुत बड़ा गैप डाउन में ही हो सकता है एक बहुत बड़ा एक सडनली स्पाइक आए, देन हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पर रेंज बनाए, देन फिर ये जाए, ऐसा हो सकता है। बुलिश के लिए हम लोग के पास बहुत कुछ है, मतलब थोड़ा सा कंडीशंस है, लेकिन बेरिश के लिए ज़्यादा कंडीशंस नहीं है, फ्लैट ओपन हो इसको तोड़े हम लोग बेरिश के लिए ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा गैप डाउन में भी एक बार के लिए बेरिश के लिए ट्रेड करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, एक बार यहाँ तक के लिए टारगेट रखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। बहुत बड़ा गैप डाउन में एक बार के लिए छोड़ देंगे, देखते हैं कहाँ तक जाता है, क्या होता है, नहीं होता है, फिर अगर ऊपर हम लोग को कुछ बेरिश वेरिश मिला देन हम लोग वहाँ से बेरिश के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का चांसेस है। बहुत बड़ा गैप डाउन में, हल्का फुल्का गैप डाउन में हो सकता है एक हल्का सा पुल बैक आके फिर सेलिंग आए, फिर यहाँ पर रेंज बनाए, देन एकदम एंड ऑफ द डे यहाँ पर थोड़ा सा एक बाइंग आए, ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं। इन सब चीज़ों को ना ध्यान से लिख के रखना, तब आपको काम आएगा, आप जस्ट सुन के मत चला जाना, काम आएगा तब। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी सेम है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने वाला कुछ बात नहीं है, बैंक निफ्टी सेम है, हाँ ठीक है, मतलब भयंकर बेरिश है ये, डेली पे भी बेरिश है, फिर भी बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है लाइक एक जो ये वाला जोन है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टाइप का है एक, मतलब 49,500 इस जोन, ये वाला जोन, तो यहाँ से एक मतलब अगर थोड़ा नीचे आता है ना, यहाँ पर एक हल्का रेंज बनाता है, स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत अच्छा मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस जोन पर अगर एक रेंज बनाता है तो यहाँ से जब ये जाएगा ना, स्विंग ट्रेडिंग टाइप का एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है बैंकिंग स्टॉक्स में, वो आ सकता है, चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट है ये, ठीक है। तो 30 मिनट्स में देखते हैं, 30 मिनट्स में बैंक निफ्टी का वो जोन कौन सा है, ठीक है। 30 मिनट्स में बैंक निफ्टी का जोन है 52,850, मतलब एक्चुअली ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला जोन इसका है 52,800, 53,000, इस लेवल तक ये जा सकता है, एक बार 1500 पॉइंट जैसा जा सकता है, ठीक है, फिर वहाँ से आ सकता है। अगर ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, अगर मंडे के दिन सेलिंग आता है, थोड़ा सा नीचे आता है, देन इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये लेवल तक थोड़ा सा पास आ जाएगा, 52,500, 52,600 ये सब लेवल आ जाएगा। तो इक्वेशन चेंज कैसे होगा, जब ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तब ये वाला, तब इसका मतलब मैक्सिमम रिट्रेसमेंट लेवल होना चाहिए, और नेक्स्ट वीक तक ये इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब इसको 52,800 ये सब लेवल क्रॉस नहीं करना चाहिए, टिक भी नहीं देना चाहिए, 53,000 के ऊपर तो टिक भी नहीं लगाना चाहिए, अगर इस सच में बेरिश है तो इसको टिक तक नहीं लगाना चाहिए 53,000 के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ तक नहीं लगाया देन मतलब समझ लेना मार्केट में सेलिंग प्रेशर है,
वीकली में भी सेम जैसा हम लोग निफ्टी में डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में भी सेम हुबहू होगा, जैसा मैंने कहा था सेम होगा। मिड कैप निफ्टी में भी सेम है, ठीक है। अभी देखो तीनों में सेम है, मुझे लग रहा है मंडे के दिन एक सेलिंग आएगा पहले, उसके बाद जो भी होगा, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तब तो खेल ही ख़त्म है, तब हो सकता है वहाँ पर तो एक पहले एक 15 मिनट में एक बाउंस मारे, देन फिर 15 मिनट में एक सेलिंग आए, एक एक लाइक जैसे कि वैसे एक से एक पहले मान लो ये उल्टा हो जाए, ये मान लो पहले बाउंस मारे देन एक सेलिंग आए देन यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर थोड़ा सा ऐसा जा सकता है, ये हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा मैं आपको डिस्कस कर लिया कि मुझे मंडे के दिन थोड़ा सा सेलिंग ही लग रहा है, लेकिन हो सकता है लाइक सेकेंड हाफ में थोड़ा सा एक रिवर्सल मिल सकता है अच्छा खासा। तो अभी हम लोग एक बार देखते हैं मतलब कि सच में मतलब अभी क्या कर सकते हैं। अभी देखो बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं पता है मुझे, और आज का कैंडल सबसे ज़्यादा अलार्मिंग कैंडल है, ये पूरा दर्शाता है कि सेलिंग बहुत अच्छा खासा होने वाला है फ्यूचर में। तो ये हम लोग को कैच कर, देखो मैंने पहले भी कहा था फर्स्ट लेग से जो सेकेंड लेग का सेलिंग होता है ना ज़्यादा तेज़ होता है, ज़्यादा शार्प होता है। अब हिस्ट्री उठा के देख लो, कुछ भी देख लो, आप स्टॉक्स देख लो, कुछ भी देख लो, सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग सबसे ज़्यादा ब्रूटल होता है, सबसे ब्रूटल होता है। ये जितना ब्रूटल हुआ ना इससे दुगना ब्रूटल होगा सेकेंड लेग ऑफ सेल, अगर यहाँ से सेल आया ना सबसे ब्रूटल वो होता है। तो सेकेंड लेग अगर कोई ये मिस किया, सेकेंड लेग मिस मत करना प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ वो सबसे ब्रूटल होगा। अभी बुलिश देखो, अभी बुलिश अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है या फिर कोई बुलिश के लिए सोच रहा है, तो मैं जो कहा इसके इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, और इसके नीचे नीचे ये वाला जोन पे 3-4 दिन मार्केट को रहना चाहिए। देन ये जब ब्रेक करेगा एक रेंज बना के, उस रेंज बना के जब ब्रेक करेगा तब हम लोग इसको लाइफ हाई को भी मतलब लाइफ हाई तक एटलीस्ट हम लोग एक मतलब प्लान कर सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऐसा के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो अभी मार्केट में सिचुएशन तो ख़राब है, और जैसे मैंने कहा कि एक पुल बैक, देखो पुल बैक कैसा है, पुल बैक कितना स्ट्रॉन्ग है। एक देखिए नेक्स्ट वीक तक मैंने क्या कहा कि 600-700 क्रॉस नहीं करना चाहिए, बैंक निफ्टी में कहा कि 53,000 के ऊपर टिक तक नहीं लगाना चाहिए, और निफ्टी में जैसे कहा कि 800 तक तो टिक तक नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ से अगर नेक्स्ट वीक तक ठीक है नहीं लगाता है, वहाँ पर कुछ सेलिंग मिलता है। और मैंने इसलिए लेवल आपको बता दिया कि अगर मान लो कि 600-550 तक गया, सेलिंग मिल रहा है, डोंट हेजिटेट टू सेल, क्योंकि ये पुल बैक हो चुका है, अभी सेल सेकेंड लेग ऑफ सेल आएगा। सेम विद द बैंक निफ्टी जो लेवल दिया 52,800-53,000, इसके आसपास भी मान लो 52,700 तक गया, 600 तक गया, हाँ, तो वहाँ पर अगर आपको कुछ मिल रहा है लाइक कुछ एक पैटर्न मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, वहाँ पर सेल करो आप, डोंट हेजिटेट मतलब, क्योंकि वो सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि पूरा रिट्रेस करे, है ना, जब सेलिंग अच्छा होगा तो ज़रूरी नहीं होता पूरा रिट्रेस करे, लेकिन एटलीस्ट आपको एक मैक्सिमम लेवल पता होना चाहिए। तो अभी जैसे बैंक निफ्टी में आप 200-300 पॉइंट का तो आप दोगे, 52,800 से स्टार्ट होता है मान लो लेवल, तो आप 200 पॉइंट का लाइक दोगे, 200-250 पॉइंट का, तो 52,500-600 तक आप दोगे उसको ना, कि वहाँ से वो रिवर्स हो सकता है। सेम इधर निफ्टी और 25-600 का लेवल है, वो स्टार्ट होता है वहाँ से, 600 या 550 से स्टार्ट होता है, तो 450 से भी स्टार्ट कर सकते, 450 से आप देख सकते, बस 450 तक एक बार टिक मार दिया, 450 से चला गया तो देख सकते कि वहाँ से कुछ रिवर्सल दिख रहा है साइन, शॉर्ट कर दो वहाँ से। लेकिन अभी अंधा शॉर्ट मत करना कि 300 से शॉर्ट कर दिया, ऐसा अंधा शॉर्ट मत करना। हाँ, आप 450 में एक बार चांस ले सकते हो कि देखो अगर कोई ऐसा ट्रेडर भी कि 450 में मैं एक लॉट कर दिया, 500 में और एक लॉट कर दिया, मैं करता रहूँगा धीरे धीरे, मेरा 800 का स्टॉप लॉस है, हाँ तब कर सकते हो आप, आपका जिस आपका वो रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट उस हिसाब से होना चाहिए, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अभी एक चांस अगर देता है मार्केट तो उसको लो, क्योंकि सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग बहुत ही ब्रूटल आएगा। तो यही बात है, और जो मुझे लग रहा है कि अभी अगर सेलिंग आएगा नेक्स्ट खराब वाला आएगा, और जो इलेक्शन इलेक्शन का भी अगर इसके में रिजल्ट कुछ गलत होता है, और अगर सच में मार्केट में सेलिंग आना होगा और पुलबैक दे चुका होगा, तब एक अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है, और सेलिंग बहुत ही ब्रूटल आ सकता है। मैं मतलब यहाँ पर बताऊंगा नहीं वो लेवल, लेकिन मैं पहले बताया वीडियो में, बहुत ही ख़राब वाला लेवल तक आ सकता है, लाइक लोग जो अभी सोच भी नहीं रहा है कहाँ तक आएगा। और जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत कुछ इग्नोर कर रहे हैं लोग, ठीक है। ये जिस दिन फटेगा ना अच्छा फटेगा, लेकिन इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हम लोग एशिया में कुछ नहीं हुए बोल के हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन एशिया में भी मामला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, याद रखना। अगर कुछ भी
एशिया में कुछ भी मामला खराब हो गया, वो अगर ब्रास्ट हो गया वो चीज़ बहुत ही बुरा फंसेगा। और लेवल तो मतलब मैं बताऊंगा नहीं, डर जाओगे तुम लोग, इसलिए मैं बताऊंगा, लेकिन वो वहाँ तक भी आ सकता है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। डरो मत, बिंदास मार्केट को टाइम दो, वो करो, आराम से ट्रेड करो, इतना डरो मत, पैनिक मत करो। और जो भी कहा था मैंने पहले कि हाँ थोड़ा सा अभी आप लोग सोच, मतलब यहाँ मैंने बहुत पहले से कहा था, यहाँ से कह रहा हूँ मैं कि थोड़ा सा अभी देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ तक चला गया। मतलब दिस इज़ लाइक एक जोक टाइप का बन गया था ना, मतलब ये ज़रूरी था और ये थोड़ा और करे देन वहाँ पर बनाए देन इट्स ओके। तो अभी हम लोग उस हिसाब से ट्रेड करेंगे और हम लोग अभी बेरिश ही माइंडसेट रहेगा जब तक कुछ भी हम लोग का मेजर चेंजेस नहीं आता तब तक, ठीक है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया और अपना ख्याल रखना।